गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बेटा अज असी पैस की तैयारी नूं ध्यान दे विच रखदे होए जमात दूजी विशा गणित अध्याय संख्यावां दा पन्ना नंबर 23 अते 24 दी दोहराई करांगे अते उस तो बाद उस दे नाल संबंधित कुछ एमसीक्यूज नूं हल करांगे। बच्चों, तुसी संख्यावां दे इकाई अते दहाई दा ज्ञान करंसी नोटां अते गिनतारे दी मदद नाल हासिल कर चुके हो। बच्चों, तुहानूं पता है एक इकाई एक वस्तु, एक दहाई 10 इकाइयां, इसी तरह दो दहाइयां 20 इकाइयां। बच्चों, तुसी गिन तारे दे उत्ते किसी भी संख्या नूं दर्शाना सीख लिया है। जिस तरह बेटा यह एक गिन तारा है जिसके उपर एक संख्या लिखी गई है 20, 7, 27। इसके विच 7 इकाइयां अते 2 दहाइयां दित्तियां गईयां हन अते इकाई वाली छड़ दे विच असी किन्ने मोती पाने हन? 7। ठीक है बेटा, देखो ये 7 रिंग्स पाए गए हैं। इसी तरह दहाई वाली छड़ दे विच असी किन्ने मोती पाने हैं? 2। 1, 2, 1, 2। ठीक है बेटा, इसी तरह एक संख्या दिती गई है। देखो बेटा, ये एक संख्या है 52। अगर असी 52 नूं तोड़ दिए यानी स्प्लिट करके बोलिए तो असी किस तरह बोलेंगे? 50, 2, 52। ठीक है, मतलब 2 इकाइयां 5 दहाइयां, 5 दहाइयां मतलब 50। चलो बेटा, हुण तुसी एक गल ध्यान नाल देखनी है कि जदों भी कोई संख्या होवे उस दे विच अंकां दे स्थान दा मुल हुंदा है, उसनूं असी कहिंदे हन स्थानक मुल। स्थानक मुल बेटा जो कि साडा अज दा एक मेन टॉपिक है, ते चलो स्थानक मुल लिखना सीखिए। सब तो पहला 7 इकाइयां, 7 इकाइयां तो भाग है 7 इकाइयां बराबर है 7 × 1। 7 × 1 नूं गुणा करो बेटा, 7 × 1, 7। इस तो भाव 7 दा स्थानक मुल है 7। इसी तरह 2 दा स्थानक मुल देखिए ते 2 दहाइयां मतलब 2 दहाइयां बराबर है 2 × 10। 2 × 10 बच्चे किसके बराबर है? 20। इसका मतलब 7 दा स्थानक मुल है 7, 2 दा स्थानक मुल है 2 दहाइयां मतलब 20। बेटा, अगर असी इस चीज नूं एक तुकबंदी दे नाल समझिए ते सुनो ध्यान दे नाल, जिस अंक दा स्थानक मुल है दसना, जिस अंक दा स्थानक मुल है दसना, उस अंक ते पहला जाओ, उस अंक दे सज्जे पासे अंक हन जिन्ने उन्नियां ही पिछे सिफरां लगाओ। मतलब अगर असी 2 दा स्थानक मुल कढ़ना है ते 2 दे अग्गे सज्जे पासे नूं एक अंक है मतलब असी एक सिफर लगा देनी है यानी कि 2, 0। ठीक है बेटा, तुसी इस नूं किसी तरह भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो बेटा, 30, 2, 32। सब तो पहला 32 संख्या नूं इकाई अते दहाई दे चार्ट उत्ते दर्शाना है, उस तो बाद 2 दा स्थानक मुल लिखना शुरू करो। 2 इकाइयां, 2 इकाइयां दा मतलब है 2 × 1 बराबर है 2। ठीक है, इसी तरह 3 दहाइयां, 3 दहाइयां तो की भाव है? 3 × 10 बराबर है 30। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल देखो, 64, 64। 64 नूं सब तो पहला इकाई दहाई दे चार्ट ते दर्शाना है, उस तो बाद 4 दा स्थानक मुल देखो, 4 इकाइयां यानी कि 4 × 1 बराबर है 4। नेक्स्ट देखो, 6 दा स्थानक मुल, 6 दहाइयां मतलब 6 × 10, 6 × 10 बराबर है 60। ठीक है बेटा, 4 दा स्थानक मुल 4, 6 दा स्थानक मुल 6 दहाइयां मतलब 60। ठीक है बेटा, ते आओ हुण इस विषय नाल संबंधित कुछ एमसीक्यूज नूं हल करते हैं। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ? ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਚੁਣੋ। ਗਿਣਤਾਰੇ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਹਨ? 2। ਔਰ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, 2, 3। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ? 30, 2, 32। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ 32 ਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 40, 2, 42, 30, 1, 31, 30, 2, 32। ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਿਸ 30, 2, 32। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, 40, 6, 46 संख्या विच 4 दा स्थानक मुल की है? 4 दा स्थानक मुल यानी देखो बेटा, 4 किथे बैठा है? अपना
दहाई के स्थान पे, ये इकाई चार दहाइयां, चार दहाइयां मतलब चार गुना दस बराबर है चाली, ते चाली लबो कितने बेटा, ये है 400 चौका सिफर 40, सही आंसर की है बेटा 44 40। थर्ड क्वेश्चन देखो, 8 इकाइयां बराबर है, 8 इकाइयां बेटा के दे बराबर, 8 गुना 1 8, 8 इकाइयां 8, ते 8 लबो कितने बेटा 1 0 8, अपना सही पार्ट केड़ा है एडी पार्ट, ते असी इथे की लिख देना है 8, ठीक है बेटा। हुन तुहाडा होमवर्क है कि तुसी ये दो पेजां दे सम्स नू अपनी कॉपी ते नोट डाउन करना है। थैंक यू।